ईद उल अजहा, बकरीद और रक्षाबंधन को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपर जिलाधिकारी नगर राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसके संबंध में अपर जिलाधिकारी नगर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव और लॉकडाउन का पालन करते हुए त्योहारों को अपने घरों में मनाएं, जिससे कि संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम, विद्युत विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग सहित अन्य विभागों को उनके दायित्वों के बारे में अवगत कराया जा चुका है। सभी विभाग अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करेंगे और नगर निगम द्वारा पशुओं के अपशिष्ट का निस्तारण सही ढंग से करेंगे और सभी थाना अध्यक्ष अपने अपने थानों पर शांति समिति बैठकों को भी आयोजित करें, जिससे कि त्योहार को सकुशल संपन्न कराया जा सके और पर्व पर कोई भी सामाजिक आयोजन ना किया जाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत स्वयं के संक्रमण से सुरक्षा करते हुए अपने परिवार तथा समाज को भी बचाना है। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन चतुर्भुजी गुप्ता, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, एसपी साउथ विपुल श्रीवास्तव, सीओ कोतवाली वीपी सिंह, रामगढ़ताल थाना प्रभारी राणा देवेंद्र सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी जयदीप वर्मा, तिवारीपुर थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह, गोरखनाथ थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह, राजघाट थाना प्रभारी एवं संबंधित विभाग के अधिकारी और सद्भावना समिति के सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर जिलाधिकारी नगर राकेश कुमार श्रीवास्तव और एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, तो मोहल्ला वाश जिस मस्जिद में जैसे गार बड़ी मस्जिद है मोहल्ले में वहाँ डाल कर तो जहाँ कुमार भीड़ रहती वहाँ हो जाएगी कुमार, तो नगर निगम की कार वहाँ पर रहे जिस मोहल्ले में पॉइंट है, बड़ी मस्जिद है, गा है और भी मोहल्ले की मस्जिदें हैं जहाँ उसने बात किया था, तो वहाँ पर डाली व्यवस्था हमारे हो जाए। सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दें, जो आपने जो दिशा निर्देश दिया है, जो महामारी को देखते हुए जो दिशा निर्देश दिया है, शासन प्रशासन जो चाहता है कि हम लोग सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहें, उसका पालन हम लोग करेंगे और अपने लोगों के बीच में ये बताएंगे कि जो शासन प्रशासन कह रहा है वही करना है, इसके इधर कुछ नहीं करना है। अगर हम अपने अपने परिवार के सदस्यों के साथ बच करके 2020 को पार कर लेते तो बहुत बड़ी हम लोगों की मतलब नेमत होगी, अल्लाह का, भगवान का, सबका हम लोग को शुक्रिया करना चाहिए कि हम लोग खुद से काम करना है, ध्यान देना है कि कहीं कोई किसी की गंदगी या खून वगैरह चीज रास्ते में लगे। अपना कुमारी सदस्य कराते हैं वो भी ना हो पाए लोग या तो कुमारी वहां लगा ऐसा नहीं कह सकते, या तो सर ऐसा करने की जो जैसे भले काम के घर में कराते हैं भले कराते हो कि जो कुर्बानी होती है जहाँ पे 50,000 ऐसा काटे जाते हैं, अगर ऐसा होना है तो ठीक है, नहीं होना तो उसको फिर अंदर कराया जाए, तो ये मैं से कहते हैं जहाँ से ऐसा आदेश है कि घटन करो करा दें तो ठीक सब घटन करो करा दिया है के अंदर लॉकडाउन है, किसी को बाहर नहीं आना है और संक्रमण बहुत तेजी से फैला है, किसी से छुपा नहीं है। और पांडे जी ने जो बातें बताई है नगर निगम के आज यहां पर पीस कमेटी की बैठक जिला स्तर के लेवल पर की गई थी, जिसमें सभी पुलिस ऑफिसर्स, पीस कमेटी के सम्मानित सदस्य और अध्यक्षगण और विभिन्न विभाग जो कि ईद और रक्षाबंधन की त्योहारियों से संबंध में रहते हैं, नगर निगम, विद्युत विभाग, जल कल विभाग, इस तरह से सभी लोगों ने भाग लिया, सभी मजिस्ट्रेट साहबान ने भाग लिया है। और किसी भी प्रकार का सार्वजनिक उत्सव या सार्वजनिक भीड़ को इकट्ठा नहीं किया जाना है और इस त्यौहार में सुरक्षा को दृष्टि को देखते हुए लॉकडाउन को फॉलो कराते हुए घरों में ही ईद को पूरी खुशियों के साथ मनाया जाना है।
नहीं, आज अग्रिम त्यौहार अपने रक्षाबंधन और बकरीद को लेके तथा साथ में लॉकडाउन जो लगाया गया है नगर क्षेत्र के 4 थानों में, उसको लेके सभी विभागों के बीच में समन्वय तथा जो जनता से फीडबैक मिल सके उसके संबंध में आज बैठक की गई। सर, कोई अपील लोगों से यही अपील है कि प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें, जहाँ कहीं भी पुलिस के सहयोग की अपेक्षा हो वहाँ पर पुलिस सूचना दें, मास्क पहन के निकले, अनावश्यक रूप से ना निकले।